So now we are going to proceed towards our third chapter, Management Principles and its applications subject, which is based on coordination. देखो सबसे पहले coordination का meaning आता है. Meaning में हमें दो experts की definitions को समझना है. देखो हमने 12th में भी किया था coordination क्या होता है. देखो मुझे अपने organization goals को achieve करना है. Obviously हम ये पढ़ चुके हैं कि ये जो activity है ये एक group activity होती है, मतलब काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मिलके काम करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए. अब जब ये गोल को अचीव करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि उस ग्रुप ऑफ पीपल को कैसे हम कोऑर्डिनेट करें. यहाँ पे कोऑर्डिनेट का मतलब एक तो उनमें यूनिटी ऑफ एक्शन लाना कि जो काम कर रहे हैं उस वो यूनाइटेड रहे, इंटीग्रेटेड रहे, ताकि यू नो इकट्ठे मिलके वो उस गोल को ज़्यादा इजीली अचीव कर पाएंगे. प्लस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी रहे कि एक ही डायरेक्शन में वर्क करें. प्लस क्योंकि वो लोग अलग अलग पर्सनालिटीज़ और अलग अलग यू नो डाइवर्स ग्रुप्स हैं बेसिकली, वो तो ज़रूरी है उनके बीच के कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना और बाकी प्रॉब्लम्स जो भी आएंगी उनको सॉल्व करना, विच हैपन्स थ्रू कोऑर्डिनेशन. इसको एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ. देखो मान लो कि हमारे पास पांच लोग हैं. इन पांच लोगों में हमें क्या करना है, मान लेते हैं एक कुछ सामान है, एक कबर्ड है, ये मुझे यहाँ से बी पॉइंट तक पहुँचानी. अब मैंने इन पांच लोगों को बोला कि तुम्हें ये काम करना है तो सबने बोला कि ठीक है हम कर देंगे. यहाँ पे उनके करने को, उनके हाँ बोलने को हम बोलते हैं उनका विलिंगनेस, कि वो काम करने को विलिंग हैं. तो वी विल से कि दे आर कोऑपरेटिंग, एक वर्ड आएगा कोऑपरेशन. तो काम करने का विलिंगनेस इज़ कोऑपरेशन. तो इन्होंने अगर कोऑपरेशन दिखा दिया मुझे, क्या वो इनफ है उस ए पॉइंट पे पड़ी कबर्ड को बी तक पहुंचाने के लिए? आंसर है ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज जब तक वो पांचों लोग, मैंने अभी तो इंडिविजुअली पूछा ना, मुझे चाहिए वो पांचों इकट्ठे आए. क्योंकि क्या ऐसे कंप्लीट हो पाएगा कि एक बंदा किसी टाइम सुबह आता है, थोड़ा सा आगे करके चला जाता है, फिर अगला आता है और थोड़ा आगे करके चला जाएगा? तो ऐसे तो नहीं होगा ना, बिकॉज एक बंदा वो पूरी कबर्ड को नहीं मूव कर सकता. वो ट्राई करेगा, वो फेल हो जाएगा, वो वापस चला जाएगा. लेकिन हाँ, पाँचों के पाँचों एक ही टाइम पे जितना अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड है उतना अगर वो लगाए एक टाइम पे, सब लगाएंगे, इसको बोलेंगे यूनिटी ऑफ एक्शन. प्लस एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे सब, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो जाके अगर वो सिंक्रोनाइजेशन में होंगे तो वो मूव हो जाएगी कबर्ड. दिस इज़ व्हाट कोऑर्डिनेशन एक्चुअली इज़. अगर आप समझो, मैं डेफिनेशंस पढ़ता हूँ ये दोनों. कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स. एक ऑर्डर में पैटर्न में चलना among the subordinates and secure unity of action in pursuit of common purpose. Common purpose ko achieve karne ke liye. Then coordination is the orderly synchronization of efforts of subordinates to achieve proper, dekho kya hai, amount, timing and quality of execution. Jaise yahan pe tha ki sahi amount pe, sahi time pe, sahi quality mein jitna jaise chahiye waise hi tarike se agar aap move karoge tab wo hoga. वही यहाँ लिखे सिंक्रनाइजेशन ऑफ एफर्ट, वही कोऑर्डिनेशन है. सो दैट द यूनाइटेड एफर्ट्स लीड टू द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, नेमली द कॉमन पर्पस. तो वही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. ये हमारे डेफिनेशन हो गए कोऑर्डिनेशन की. इसके बाद हम कर रहे हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. देखो 12th में भी किए थे ये फीचर्स, कुछ वो नहीं है. इसमें जो फर्स्ट एंड लास्ट है वो यूजुअली फीचर की तरह नहीं लिखते, बट हाँ इट्स अ फीचर. अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है तो तुम मतलब इसको भी इंक्लूड कर सकते हो. इट्स नॉट अ डिस्टिंक्ट फंक्शन बट द वेरी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के फंक्शंस तो पांच ही थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो हमने अभी पढ़े. कोऑर्डिनेशन कोई फंक्शन नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिक्स्थ फंक्शन है. कोऑर्डिनेशन पूरी मैनेजमेंट का एसेंस है. ये क्यों एसेंस बोला जाता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है, तो अभी के लिए इतना ही समझ लो. और लास्ट वाला बैलेंस, टाइमिंग, इंटीग्रेटिंग आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. तीन एलिमेंट्स है कोऑर्डिनेशन के, बैलेंस, टाइमिंग, इंटीग्रेटिंग. ठीक है, ये जो बीच में दे रखे हैं ये फीचर्स हैं इसको कोऑर्डिनेशन के, जो मेन फीचर्स आप लिखते हो.
पहला इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ऑब्वियसली अगर कोऑर्डिनेशन है तो वो ग्रुप में जो भी, जैसे कि एग्जांपल के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे समझ आ जाएंगे आपको, ग्रुप एफर्ट्स को बेसिकली इंटीग्रेट करना, ठीक है, ताकि वो यूनिटी आ जाए उसमें। अगला पॉइंट भी वही है, यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करना। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब जैसे इस मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस में हमने बताया है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी हर टाइम हर मैनेजर को इंश्योर करना पड़ता है, और ये इंश्योर करना कि हर टाइम कोऑर्डिनेशन रहे, यही चीज़ बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस है, कि आप यू नो यू आर डूइंग इट एवरी एवरी नाउ एंड देन, यू हैव टू मेक कॉन्शियस एफर्ट। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कॉन्शियस एफर्ट, यहाँ पे मतलब आपको जानबूझ के चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जिससे कोऑर्डिनेशन आ जाए, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप हो जाएगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तभी वो होगा। क्यों मैं इससे बोल रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अनदर फंक्शन, ये जो देखा है ना डेलीबरेट फंक्शन, ये यही चीज़ है कि यू हैव टू पुट कॉन्शियस एफर्ट्स टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन। वो अपने आप नहीं होगी, किसी यू नो किसी का बाय प्रोडक्ट नहीं है कोऑर्डिनेशन, आपको खुद ही करना पड़ेगा। देन इट्स एन ऑल परवेजिव, मतलब सारे मैनेजर्स हर लेवल पे हर डिपार्टमेंट में सब जगह इंश्योर करना ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन को। एंड देन ये भी यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, यानी कि हर लेवल पे मैनेजर जो भी हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन को वो ला सके। ऑल परवेजिव में आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे कोई स्कूल है, कोई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन तो हर जगह चाहिए, बिकॉज काम को करने के लिए हम नॉर्मली भी तो बोलते हैं यार कोऑर्डिनेशन नहीं है। इवन इफ वी आर डूइंग अ कोरियोग्राफी डांस की या म्यूजिक का, कुछ कोई गा रहे हैं ग्रुप में लोग, तो हम क्या बोलते हैं यार सिंक्रोनाइजेशन नहीं आ रही। वो सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि तुम कोऑर्डिनेशन में नहीं गा रहे, तुम कोऑर्डिनेशन में नहीं स्टेप्स कर रहे। तो कहीं पे भी ग्रुप ऑफ पीपल आता है, उनके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना यानी कोऑर्डिनेशन लाना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।